और आप अंदर का तो दिखाना अलाउ नहीं होगा, पर देख लो भाई गाड़ियां भी ऐसी होती हैं। और ये है, और डस्टबिन का प्रॉपर ध्यान रखा देखो। और ये है इनका लाइफस्टाइल, इस तरह की जिंदगी। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं दिब्बा, दिब्बा सिटी आने वाली है और कुछ दूरी के बाद दिब्बा आ जाएगा, दिब्बा सिटी आएगी। अब देखते हैं कैसा है उधर दिब्बा में, और इधर हम अभी रास्ते में जा रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और पहाड़ियां। तो अभी अब हम पहुंचने वाले हैं दिब्बा, दिब्बा आने वाला है, और आने वाला क्या है, आ ही गया है, इधर ही है दिब्बा। अब इतने पहाड़ियों को क्रॉस करने के बाद ये आपका प्लेन वाला एरिया बीच में आया है, और यही दिब्बा का एरिया है। और इस साइड आपको हम दिखाते हैं, बहुत सारे घर हैं यहाँ पर है, और ये सिटी, तो सिटी है या ग्रामीण टाइप का इलाका है चाचा, ये कैसा इलाका है? ओके, ओके 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 ओके। ये सीमेंट फैक्ट्री के बाद दिब्बा स्टार्ट हो जाएगा, सीमेंट फैक्ट्री के बाद। और आ जाएंगे दिब्बा देखने के लिए, बहुत चीजें हैं, और इसलिए वीडियो को तक बने रहे अंत तक और देखें सारी चीजें जितनी हम कवर कर रहे हैं और आप लोग के लिए। ये पहाड़ियों के बीच में ये सीमेंट फैक्ट्री लगा हुआ है, मुझे लगता है इस मटेरियल से सीमेंट बनता होगा, पहाड़ की मिट्टी से, इसीलिए फैक्ट्री इधर लगी हुई है ना, इतना को जरूर है देखने लायक। और सिटी काफी बीच में है, और ये पहाड़ है, और आसमान में आज बादल है, इधर लगता बारिश होगी इस साइड को, बाकी इलाका है काफी ज्यादा, वो भी देखिए। ये हम पहुंच चुके हैं दिब्बा सिटी, और देखेंगे बाहर में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने की, और कुछ अच्छी चीज़ें होंगी घूमने की तो दिखाएंगे ज़रूर। ये इस तरह का आज दिब्बा घूमा जाए, देखा जाए दिब्बा के अंदर क्या क्या है, क्योंकि नाम सुना है दिब्बा, एक जगह है तो देखा नहीं था। तो सामने आप देखो, सामने पूरे पहाड़ हैं, ये देखो ये पूरे पथरीले पहाड़ हैं, ये है दिब्बा का लालटेन चौक, है ना, ये लालटेन चौक है। हम देखेंगे तो इधर पीछे देखो, पीछे पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के पीछे भी अगर आप देखोगे वहाँ भी पूरा समंदर है, यानी कि ये जो झंडा दिख रहा है, ये झंडे के पीछे अगर हम देखेंगे तो वो पूरा समंदरी एरिया है, और ये रोड गई हुई है बाईपास वगैरह के लिए। और ये जो एरिया है ये पूरा आप देखेंगे तो देखो ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों को काट के बसाया गया है इसे। और ये इधर पीछे की ओर हम जाएंगे तो ये लोकल आर्मी इधर पीछे रहते हैं, और पता नहीं वीडियो बनाना शूट करने वाला है या नहीं, होना चाहिए वैसे, ये है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पीछे पूरे अरबी वाला एरिया है, पीछे अरबी के जो है लोकल घर हैं, और इधर का जो एरिया था वो पूरा आपका सिटी एरिया था। हाँ तो अब कैसा लगा आपको बताओ मेरे को थोड़ा सा भाई, कमेंट वमेंट मारा करो कि देखा करो, इतनी मेहनत करते हैं, पीछे का देखो नज़ारा कैसा लग रहा है। तो बहुत दूर आए हैं घूमने के लिए, घूमने के लिए आए हैं, तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक करा करो, इसलिए लाइक करा करो। और ये पीछे का एरिया है दिब्बा का, आज हमने डिसाइड किया था कि हम लोकल जो एरियाज हैं उनको कवर करेंगे, इसीलिए वो जो आप देख रहे हैं वो जितने भी विलाज आप देख रहे हैं इस एरिया में, इधर से लेके इधर तक जितने विला हैं वो सारे रेजिडेंट हैं। और इधर भी ये देखो ये मार्केट है, मार्केट के बैक साइड अगर आप देखेंगे इसके पीछे साइड एरिया है, और काफ़ी ज़्यादा अरबी ही यहाँ पर रहते हैं, और उनके ही ज़्यादा घर यहाँ पे बने हुए हैं, और इस तरह का रहन सहन और प्रचलन है। और ये हमारे कोई आदमी है, लाइक किया हमको, बोला कि हाँ ओके है, यू आर डूइंग गुड जॉब एंड अप्रिशिएटेड मी, इट्स माय प्लेजर। तो इधर का अगर देखें, ये देखो पहाड़ियाँ जो काट के बनाई गई हैं काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है भैया, इस तरह से काम करना, एक सोच कैसी बनाई होगी कि इधर पूरा पहाड़ी
हम काट लें और पूरा काटने के बाद पूरा मार्केट इधर हाइपर मार्केट है टुल्लू का, जो हाइपर मार्केट बना हुआ है, और इधर का ये रहना, ये कैसे मतलब, तो हम भी नहीं सोच पाते भाई। हमारे वहाँ भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं अनडेवलप्ड हैं, मतलब उन लोगों उन जगहों पर बिजनेस लेके आना हमारे लिए असंभव सी बात होती, और इन लोगों के लिए देखो मतलब आप देखो ये सामने, अगर आप देखो ये सामने देखो पूरा पहाड़ी है, ये देखो जूम करके थोड़ा देखते हैं, ये पूरा पहाड़ी एरिया, मतलब इस पहाड़ को पूरा इन्होंने पूरा काट के देखो पूरा सिटी बसाया है, और इधर का ये पूरा रेजिडेंस एरिया है, और ये पूरा अरबीज वाला रेजिडेंस एरिया है, और यहाँ पर मैक्सिमम अरबी ही रहते हैं, और बाकी जो काम करने वाले लोग होंगे वो रहते होंगे जो इस सिस्टम को चला रहे होंगे। गाड़ी देखो गाड़ी फैंटास्टिक गाड़ी है, तो ये है मतलब इनका रहन सहन का थोड़ा सा नज़ारा, और थोड़े से वो रोड में चलते हुए देखते हैं और लोकल एरिया से थोड़ा घुसेंगे अंदर। ये घर इस तरह के बने हुए हैं पूरे घर, और इस तरह से यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऐसा है, और जो बिजनेस है बिजनेस तो यहाँ पर टूरिज्म का ज़्यादा बिजनेस है, और बाकी ये जो ये अपने रॉक बेचते हैं पहाड़ जो हैं, ये अलग अलग मटेरियल्स के पहाड़ हैं, जैसे सीमेंट भी बन रहा है, जिप्सम भी निकल रहा है, और भी बहुत चीज़ें हैं, तो इस तरह का यहाँ पर बिजनेस है। बाकी सिटी है, सिटी में अलग अलग जो चीज़ें हैं, और जो मैक्सिमम जो बिजनेस है वो टूरिज्म से है, टूरिज्म ही मेन यहाँ का बिजनेस है। अपने कंट्रीज में भी हमको डेवलप करना चाहिए अपने टूरिज्म का बिजनेस को, हम भी कर सकते हैं भाई, ये ऐसे नंगे पहाड़ों को खोद कर इतनी अच्छी चीज़ें। और आप अंदर का तो दिखाना अलाउ नहीं होगा, पर देख लो भाई गाड़ियाँ भाई ऐसी होती हैं कि ये पूरा स्ट्रीट है, और ये इलाका पूरा, और ये मस्जिद है, और ये पीछे का जो इलाका है आप देख सकते हैं, और ये सामने मस्जिद है, मस्जिद में भी लोग काफ़ी आते हैं। इधर हम पहले नहीं आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। ये है मस्जिद, ये सामने मस्जिद है, ये रहा मस्जिद, जो कहीं कुछ बने ना बने पर मस्जिद ज़रूर बनाते हैं, कि मस्जिद ज़रूर होनी चाहिए भाई, मस्जिद बनती है। और ये है, और डस्टबिन का प्रॉपर ध्यान रखा, देखो कहीं भी डस्टबिन आपको मिलेगा प्रॉपर मिलेगा बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सिटी से काफ़ी दूर है तो यहाँ पर नहीं ये चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, प्रॉपर होगा, हर चीज़ सही होगा। और ये सिटी एरिया है फिर, और ये इसके पीछे का अरबी लोकल घर हैं, और आगे की ओर थोड़ा चलते हैं और थोड़ा देखते हैं और चार घर और कवर करती है किस तरह का है। ये है, ये खजूर के पेड़ है बड़े बड़े, और ये इनके विला हैं, और ये इनके काम करने वाले लोग, और ये है इनका लाइफस्टाइल, इस तरह की ज़िंदगी मैक्सिमम लोग जीते हैं। और ये है, ये सारे विला है, देखो वो औरत भी काम कर रही है, आप दिख रहा होगा, ये देखो पूरा इस तरह का है, और है ना, ये पीछे भी अगर देखोगे, उधर भी अगर आप देखें पीछे, पूरा इसी तरह के विला बने हुए हैं, और यही एक लोकल रेजिडेंस एरिया है इधर का। और ये देखो ये खेलने के लिए कुछ जगह बचा कर रखी हुई है, क्योंकि ये मस्जिद है, इस वजह से शायद ये पार्किंग देने के उद्देश्य से ये चीज़ करी गई होगी। तो आज के छोटे से वीडियो में हमने कवर किया दिब्बा का कुछ एरिया और दिब्बा का कुछ लोकेशन जो आपको दिखाया। तो ये लोकल एरिया और लोकल रेजिडेंस है इधर का, और ये पूरा पहाड़ी वाला इलाका पीछे का, और उसके साथ ही बसा हुआ सिटी, और सिटी में ये सारे विला हैं, इधर सारे लोकल अरबी रहते हैं, अरबी लोग मैक्सिमम बिल्डिंग्स में अलाउ, तो इन लोग को अच्छा नहीं लगता होगा शायद, इसलिए नहीं रहते होंगे, नहीं रहते हैं ज़्यादा लोग उसी में रहते हैं आपके विला में। तो ये पूरा विला वाला लोकल अरबी वाला एरिया था, बाकी कोई अरबी तो हमको दिखा नहीं, बाहर निकला हुआ एक दिखा था, उसने हाई करा था, इसके अलावा कोई नहीं दिखा। ये हमने सिटी कवर किया है, दुनिया देखे,
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ओके, तो दिब्बा में इतना ही कवर करने लायक था, बाकी कुछ और होगा कवर करने लायक तो फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थोड़ा आज ठंडा है, इधर हमने जैकेट डाली हुई है, बहुत दिनों बाद इधर भैया इधर ठंडा हमको महसूस हुआ, इधर तो ठंडा ही नहीं है, इतनी गर्मी है कि वह घर क्या कर हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये नदी, ये जो समंदर का छोर है, अच्छा इधर से समंदर से। तो दोस्तों ये वीडियो था लोकल अपने दिब्बा तक का, जितने कवर हमने किया था। अब हम जा रहे बैक टू पवेलियन, यानी कि अब दुबई की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में अगर कमेंट कीजिए कुछ अगर आपको चाहिए तो फिर हम उसे कवर करेंगे। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियोस में, एक रास्ते का सफ़र का कुछ लोकेशंस है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।